गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल आपको आवर्तबीजी पौधों की शारीरिकी के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया, जिसमें बायाकार की और आंतरिक संरचना के बारे में बताया जाएगा। बायाकार की में कल हमने जड़, तना, पत्ती और फल और बीज के बारे में बताया कि ये इनकी लक्षणों का आपको अध्ययन करना है। तब पहला हमने शुरुआत की थी जड़ की। और बताया था कि जड़ जो है पौधे का ऐसा अंग होता है जो पौधे को जल, खनिज ये मृदा से देता है, साथ ही स्थिरता प्रदान करता है। और जड़ दो प्रकार की होती है, एक होती है अपस्थानिक जड़ और नंबर दो मूसला जड़। अपस्थानिक जड़ एक द्विपत्री पौधों में पाई जाती है और जो मूसला जड़ होती है ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। और मूसला और जड़ की जो उत्पत्ति होती है कल बताया था हमने, भ्रूण के मूलांकुर से। भ्रूण के मूलांकुर से इसकी उत्पत्ति होती है। दो प्रकार की जड़ें हो गई, दो प्रकार की जड़ों में अपस्थानिक जड़ एक बीजपत्री पौधों में दूसरा जड़ द्विबीजपत्री पौधों में। एक बीजपत्री का मतलब जैसे गेहूं, घास, गन्ना और इसमें चना, मटर आदि। तो इस तरीके से आज आपको ये इस तरह से है। अब देखिए मूसला जड़ जो अपस्थानिक जड़ जो होती है ये पौधे के किसी भाग से भी निकल सकती है। मूलांकुर विभाजित हो जाता है इसमें और पौधे के किसी भाग से ये जड़ें विकसित होती, जबकि मूसला जड़ ये मूलांकुर ही जो है मूलांकुर ही मुख्य जड़ बनाती है और वही मुख्य जड़ आगे चल करके प्राथमिक जड़ द्वितीयक जड़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज आपको हम अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण बताएंगे कि आवश्यकता अनुसार अपस्थानिक जड़ कैसे अपने रूप को बदल लेती है ये आपको हमें बताना है। तो अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण कंदमूल
शकरकंद उदाहरण इसका है। कुछ मूल सतावर गांठदार मूल इपिकार्प पुस्ता जड़ पुस्ता जड़े हस्ताकार आर के देखिए ये पांच प्रकार की जो जड़ें होती हैं ये भोजन संग्रह करने वाली है। भोजन संग्रह इनका मुख्य कार्य होता है भोजन संग्रह। जैसे इस तरह से शकरकंद है इस तरह से इन्हें भोजन संचित हो जाता है। तो इस तरीके से ये पांच प्रकार की आप जो है भोजन संग्रह करने वाली हो जाती है। कुछ होती है आरोहण में मदद करने वाली। आरोहण का मतलब होता है गति में सहायता प्रदान करना। गति में सहायता प्रदान करने का मतलब यह है कि जैसे तमाम जड़ें ऐसी होती हैं जो सहारा देती है। जैसे जटा मूल मक्का स्तंभ मूल बर्गर आरोही मूल पान अधिपादक ये जो होती है सहारा देने का कार्य सहारा देने ये जड़ें जो होती है सहारा देने की। जैसे मक्का है मक्का आपने देखा होगा इस तरह से पेड़ लगा होता है तो यहां से ऐसे निकलती है मिट्टी में गड़ जाती है। गन्ना जैसे है इस तरह से इसका मूल बर्गर की तरह से तमाम जो है टगारे निकलती इस तरह से और ऐसे आकर के बैठ जाती है। तो ये हो गया बर्गर मक्का गन्ना आर इस तरह से। और कुछ जड़ें होती हैं जो विशेष जड़ें होती हैं जैसे
श्वसन जड़ है, जैसे 11 परजीवी जड़ें, अमर मेल, स्वांगी, काली जड़ें, सिंघाड़ा, प्लावी जड़ें, जूसिया, श्वसन जड़ें, राजोफोड़ा। ये विशेष कार्य के लिए इस तरह से ये अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण होगा और मूसला जड़ का रूपांतरण आपको कल बताएंगे।